नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। मिथुन चक्रवर्ती के दूसरे बेटे यानी कि नमाशी अपना फिल्म डेब्यू करने जा रहे हैं और राजकुमार संतोषी की फिल्म बैड बॉय में नमाशी एक अनोखे किरदार में है। फिल्म स्टार किड्स, नेपोटिज्म, ऑडिशन जैसे कई मुद्दों पर वो हमसे खुलकर बातचीत करते हैं और अमूनन स्टार किड्स तो 20 साल की उम्र से ही डेब्यू की तैयारी करने में लग जाते हैं। आपको बता दें कि इतनी देरी क्यों हुई, तो वहीं जवाब में नमाशी कहते हैं सबसे पहला कारण तो कोविड था, इसने मेरे 2 साल खत्म कर दिए। इसके अलावा मैं मानता हूं कि अगर आप बहुत जल्दी आ जाते हैं तो ये आपको बेकफेयर कर सकता है। मैंने अपना डेब्यू 27 साल की उम्र में किया था। फिल्म को रिलीज होने में 2 साल लग गए हैं। मुझे लगता है कि ये 26 से 27 साल की उम्र डेब्यू के लिए परफेक्ट है। वरुण धवन, रणबीर कपूर ने भी इसी एज में अपना करियर शुरू किया था। वहीं एक्टर के तौर पर आप स्क्रीन पर मैच्योर भी लगते हो। नमाशी बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने 2016 से अपने करियर के प्रति काम करना शुरू कर दिया था। नमाशी बताते हैं कि मैं 2016 से केवल ऑडिशन देता आ रहा हूं, वहीं 2019 में जाकर मुझे ये फिल्म मिली है। जब फिल्म बनी तो कोरोना आ गया, मुझे डेब्यू के लिए दोबारा लगभग 3 साल इंतजार करना पड़ा था। स्टार किड होने के बावजूद नमाशी खुद को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते रहे हैं। इसके जवाब में नमाशी कहते हैं मुझे एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो एयरपोर्ट में पहने ड्रेस को याद रखा गया है या किसी बड़े पोर्टल पर दिए गए इंटरव्यू की वजह से जाना जाता है। मैं मानता हूं कि एक अच्छा एक्टर 20 साल बाद भी अपनी एक्टिंग के लिए पहचाना जाएगा। पैसे, पीआर स्ट्रेटेजी मुझे कहीं की भी कुछ भी मदद नहीं आने वाली है। अगर टैलेंट है तो ही आप सरवाइव कर सकते हैं। मैं इन प्रचंडों में पड़ना ही नहीं चाहता हूं और केवल अपने काम पर ही फोकस करता हूं। यहां अक्सर स्टार और एक्टर को अलग देखा गया है, कई डिबेट भी होती रही हैं। आपकी चाहत क्या है? मेरी चाहत ये है कि मैं स्टार एक्टर बनूं। वो तो फिल्म रिलीज के बाद ही मुझे पता चल पाएगा कि मेरी एक्टिंग में कितना दम है। मेरा दावा है कि दर्शक निराश नहीं होंगे, फिल्म देखकर उन्हें बहुत मजा आएगा। मैं सच में मानता हूं कि इंडस्ट्री एक अच्छे राइटर पर फोकस करने के बजाय इरेलेवेंट चीजों पर ज्यादा उलझ कर रह गई है। हमें यह समझना होगा कि हम यहां सोशल मीडिया के बजाय फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं। कई बार एक्टर्स को इसलिए भी फिल्में नहीं मिलती क्योंकि उनका सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन आखिरकार में यही होता है कि हुनर है तो ही काम मिलेगा, चाहे आप खुद की कितनी भी पीआर कर लें। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।